बहुत अच्छी खबर लेके आए हैं। दिल्ली में 80,000 नई वृद्धावस्था पेंशन खोली जा रही हैं। जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में, उस वक्त दिल्ली में 3,32,000 बुजुर्गों की पेंशन होती थी। इसे बढ़ा के पिछले 9 साल में हमने 1.25 लाख और पेंशन ऐड की, तो लगभग मोटा मोटा 4.5 लाख पेंशन आज की डेट में मिल रही है बुजुर्गों को। इसमें अब 80,000 और पेंशन, तो लगभग 5,30,000 बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। कई सालों से बंद पड़ी हुई थी बुजुर्गों की पेंशन, और दिल्ली में जहाँ भी मैं जाता था पदयात्रा में, इधर उधर जब भी इंटरेक्शन होता था, तो बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग जो होते थे वो यही यही की मांग करते थे, मेरी पेंशन नहीं आ रही, मेरी पेंशन लगवा दो, पेंशन नहीं खुल रही, पेंशन लगवा दो। तो आज सब सभी बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। ना केवल कैबिनेट ने पास कर दिया है, पर दिल्ली सरकार ने लागू भी कर दिया है, और कल से पोर्टल चालू भी हो गया है, और पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस भी आ चुकी हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। दिल्ली में 60 साल से 69 साल तक के बुजुर्गों को 2,000 रुपये पेंशन मिलती है महीना। हमारी सरकार बनने के पहले 2015 के पहले ये 1,000 हुआ करती थी, हमने 1,000 से बढ़ा के 2,000 की, और 70 साल और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 2,500 मिलती है। पहले ये 1,500 होती थी, 1,500 से बढ़ा के हमने 2,500 पेंशन की। तो आज दिल्ली में जो पेंशन मिल रही है वो देश में लगभग सबसे ज्यादा पेंशन है, सारे देश में, सभी स्टेट्स मिला के। मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं, राजस्थान में 1,150 रुपये महीना पेंशन मिलती है, उत्तर प्रदेश में 1,000 रुपये महीना मिलती है, गुजरात में 700 रुपये महीना मिलती है, छत्तीसगढ़ में 650 रुपये महीना मिलती है, मध्य प्रदेश में 600 रुपये महीना मिलती है, महाराष्ट्र में 600 रुपये महीना मिलती है, ओडिशा में 300 रुपये महीना मिलती है, असम में 500 रुपये महीना मिलती है, गोवा में 500 रुपये महीना मिलती है। तो जो डबल इंजन है वहाँ पे 500-600 रुपये मिलती है, और जहाँ सिंगल इंजन है वहाँ पे 2,500 रुपये महीना मिलती है। तो डबल इंजन की सरकार चुनने में बहुत नुकसान है। आप आम आदमी पार्टी के इंजन के साथ ही जारी रखिए, अच्छा चल रहा है सब कुछ। तो मैं फिर से दिल्ली के सभी बुजुर्गों को बधाई देना चाहता हूँ। अगर आतिशी जी कुछ कहना चाहें। जब से 2015 से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, दिल्ली के हर तबके को, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों, चाहे वो झुग्गी में रहने वाले हमारे भाई बहन हों, जिस तबके के बारे में किसी ने नहीं सोचा, उनके बारे में दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा। खासकर दिल्ली के बुजुर्गों के लिए, चाहे श्रवण कुमार की तरह बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाना हो, तकरीबन 1 लाख बुजुर्गों को अरविंद केजरीवाल जी ने देश के अलग-अलग तीर्थ स्थानों पर तीर्थ यात्रा करवाई है। बुजुर्गों की पेंशन भी काफी समय से रुकी हुई थी। जैसा आप सबको पता है कि दिल्ली के लोगों के कामों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया। क्यों? क्योंकि जो काम अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों के लिए कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी राज्य में नहीं कर पा रही थी। लेकिन दिल्ली के लोगों के प्यार और आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र फेल हुआ। अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं, और एक के बाद एक दिल्ली के जो रुके हुए काम थे वो शुरू हो रहे हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि सर के मार्गदर्शन में बुजुर्गों की पेंशन, 80,000 बुजुर्गों के लिए पेंशन दिल्ली में शुरू हो रही है। थैंक यू। सौरभ, अरविंद केजरीवाल जी जिस दौरान एक झूठे मुकदमे में जेल में थे, दिल्ली के बुजुर्ग इस बात को जानते हैं कि उनके पीछे से इन लोगों ने कई महीनों तक बुजुर्गों को उनकी पेंशन तक के लिए तड़पाया है।
उनकी पेंशन तक रोक दी गई थी। और अब जब दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए तो उनकी महीनों से रुकी हुई पेंशन तो चालू हुई, और बहुत सारे लोग जो इस दौरान 60 साल से ऊपर हुए इस पेंशन के लिए एलिजिबल हुए, उन लोगों के लिए भी 80,000 पेंशन जो हैं खोली गई हैं। और इसका उत्साह आप इस चीज़ से समझ सकते हैं, जैसा अरविंद जी ने बताया कि मात्र 24 घंटे के अंदर 10,000 आवेदन ऑनलाइन हमारे पास आ गए हैं, और आगे भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार हर तबके लिए के लिए जो है काम करती रही। तो जब मैं जेल गया, बाकी तो चलो इन्होंने जो काम रोके रोके, लेकिन बुजुर्गों की पेंशन रोकना तो पाप है। एक बूढ़ा आदमी, उसको महीने में 2,000-2,500 रुपये मुश्किल से आते हैं, और वो उसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करता है, उसके पैसे अगर आप रोक लो तो कई महीने तक, जब मैं जेल में था तो कई महीने तक उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन रोक दी, मुझे बहुत तकलीफ हुई। और बाहर आने के बाद सबसे पहले उनकी रुकी हुई पेंशन चालू कराई, और नई पेंशन अब हम लोगों ने लगवाई है। ये सब वो बुजुर्ग हैं जिनके आशीर्वाद से मैं बाहर आया हूँ, और मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं इनका एक तरह से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ ये पेंशन उनको लगवा के। अगर आपके एक दो कोई क्वेश्चन है, विकलांगों के लिए भी पेंशन अनाउंसमेंट हुआ था, जो था हाई स्पेशल नीड्स के विकलांगों को 5,000 रुपये पेंशन। ये एक और अरविंद केजरीवाल जी की ह्यूमैनिटी और ह्यूमिलिटी का परिचय है कि विकलांगों के लिए भी दिल्ली में एक बहुत बड़ी रकम दी जाती थी अब तक, मगर ऐसे भी हमारे हाई स्पेशल नीड्स के स्पेशली एबल्ड लोग थे जिनको 60% से ज़्यादा की डिसेबिलिटी थी। तो ऐसे लोग, और ये हिंदुस्तान के अंदर इकलौती ऐसी सरकार है जो इतनी बड़ी रकम हाई स्पेशल नीड्स के विकलांग या स्पेशली एबल्ड लोगों को दे रही है। हम लोग 5,000 रुपये महीने जो है उनके लिए पेंशन दे रहे हैं, और जल्द ही जो है इसके लिए भी जो है आवेदन जो है शुरू कर दिए जाएंगे। ये कैबिनेट से पास हो चुकी है स्कीम। उसकी आप बिल्कुल चिंता ही मत करो, बुजुर्गों को देने से आशीर्वाद मिलता है, और उस आशीर्वाद से और बरकत होती है, तो रेवेन्यू बढ़ेगा, इससे घटेगा नहीं। थैंक यू सर। आज संसद सत्र शुरू हुआ है, जो सबसे बड़ा मुद्दा सब लोगों ने नोटिस दिया अडानी इशू को लेकर, अगर आप उससे कुछ बोले जो पिछले दिनों वो उन्हीं से पूछ लो आज। आप ओल्ड एज पेंशन चलाओ अच्छे से।